मैं वहां जाने से मना किया था, तुम क्यों गई थी? वहाज मेरी बात तो, मैंने तुम्हारी कोई बात, वहाज कहां से लेकर आ रहे हो उसको? छोड़ो इसका हाथ, समझ में नहीं आया क्या कह रही हूं? हाथ छोड़ो इसका। बस वहाज, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। खबरदार जो तुमने इस लड़की की तरफदारी की। छोटी बच्ची है ये, तुम्हारे पीछे छुपती रहती है, तुम पर डिपेंड करती है। कब तक इसको प्रोटेक्ट करोगे? हां प्लीज काम डाउन, मैंने लारेब को समझा दिया है। अब लारेब हसन विलास नहीं जाएगी। क्यों लारेब? अब यह हसन विलास ना ही जाए तो बेहतर है। लारेब तुम कमरे में जाओ, मैं जस्ट कमिंग। नो प्लीज, अब आप लारेब से इस टॉपिक पे बात ना कीजिएगा, उसे भी समझा दूंगा। उसी को समझाना ज्यादा जरूरी है, वो अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करेगा। माय फेवरेट कुकीज। ओह माय गॉड, तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ, यहाँ की कॉफी और कुकीज को मैं कैसे भूल सकती हूँ? सब कुछ याद है मुझे। सुहेल, कहाँ चली गई थी तू? मैं गई कहाँ थी? मैं तो यहीं थी तुम्हारे दिल में, तुमने महसूस करना छोड़ दिया था। तुम्हें पता है बिश्मा, आई मीन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ या ये वाकई हकीकत है। सब कुछ हकीकत है, बस यूँ समझो कि हमारी लव स्टोरी में छोटा सा पॉज आ गया था। पॉज? हाँ, तुमने कभी रोमांटिक लव स्टोरी को पॉज या फॉरवर्ड करके देखा है? नहीं, क्यों? रोमांटिक लव स्टोरी को पॉज करके अधूरी मोहब्बत का मजा लेना, तुम्हें तो अधूरी मोहब्बत पसंद थी ना, भूल गए क्या? इतना सोचती है मेरे बारे में हर वक्त? तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में कभी सोचा ही नहीं जाए। कहाँ थी इतने अरसे से? तुम्हारे दिल में थी, फिर मैंने फैसला कर लिया है, हमेशा तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। क्या? Really? जो है तुम बहुत बोलते हो, कुछ समझता ही नहीं हो। तुम्हारे इसी बुद्धूपन पे मर मिटी हूँ मैं जीऊंगी भी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। बिश्मा प्रॉमिस करो कि अब तुम कभी नहीं जाओगी। तुम्हें छोड़ के सिर्फ इसलिए गई थी कि तुम मेरी और मेरी मोहब्बत की कदर कर सको। अगर अब कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। एक सेकेंड, मामा का फोन है। हेलो। जी मामा,
मामा आपको मेरा कॉलेज फेलो याद है जुहेब? नहीं। जिसे आप बहुत पसंद भी करती थी? पागल हो गई हो? पसंद कहाँ से आएगा जब याद ही नहीं है कि वो कौन है। हाँ हाँ मामा वही वही, आपकी याददाश्त कितनी तेज है। वो एक्चुअली हम दोनों ने एक फैसला किया है। अरे कैसा फैसला? ये तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आई लव यू मामा, आई लव यू सो मच। आप मेरी बात कितनी जल्दी समझ जाती हैं। घर आके सारी बातें बताऊंगी। फिर कौन सा नया ड्रामा है? मुझे तो इस लड़की ने बिल्कुल खिलौना बना के रखा है। क्या कह रही थी मामा, उन्हें मैं याद हूँ? सब याद है मामा। हाँ तो मामा से कब मिलवा रही हो? सून, वेरी सून। मैं सोच रहा था कि लारेब की तरफ चक्कर लगा लें, जाकर देखें कैसी है वो, क्या कर रही है, क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं उस्मान, हमने अपनी बच्ची की बड़ी जल्दी शादी कर दी? मुझे तो यूं लगता है जैसे मेरी गोद में खेलने वाली मेरी लाडो मेरी गोद से उतर कर सीधी ससुराल की दहलीज पर जा पहुंची हो। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? खुदा ने खासा लारेब के ससुराल में कोई वैसी बात तो नहीं? बात से बात का बतंगड़ तो यहाँ बनाया जा रहा है। शायद हमने अभी अपनी बच्ची को बहुत कुछ सिखाना था, बहुत कुछ बताना था उसे। तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो रही हो? देखो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उस्मान, मैं क्या करूं, कैसे करूं मैं? क्या हो गया है तुम्हें? चलो ये रोना तो बंद करो ना, बंद करो। तुम्हें याद है जब पिछली बार हम उम्रे के लिए गए थे तो हमने एक दुआ मांगी थी? भाई हमने यही दुआ मांगी थी ना कि अगली बार जब हम आए तो अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ आए। सब लारी की शादी हो गई, दामाद भी आ गया और हम उम्रे पे भी जा रहे हैं। देखो ना, एक तो उम्रे की सादत हासिल कर लेंगे और दूसरा तुम्हें वक्त मिल जाएगा, तुम अपनी बच्ची को जो भी समझाना चाहो, जो बताना चाहो, कम से कम समझा तो सकोगे। और सबसे बड़ी बात यह है साइमा के, जिसके पास तमाम मुश्किलों का हल है, उसके दर पे जाकर दुआ करेंगे ना तो वो बहुत बेहतर करेगा। मैं वहाज को फोन करता हूँ। अब यही तुम्हारा घर है, यहां पर एडजस्ट होने की कोशिश करो। देखो तुमने हसन मिला तो जाके देख लिया, वहां पर अब तुम्हारे कजन्स की बीवियां आ गई,
तुम्हारी और तुम्हारे कजन्स की आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे हसन विला की बहू हैं तो क्या कोई भी जेलस हो सकता है? हाँ अंकल का अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से हो? ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, वो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए फ़ोन किया है, बल्कि मेरी और साइमा की एक ख्वाहिश है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यकीनन उसे पूरा करेंगे। हम दोनों जा रहे हैं उम्रे के लिए, हम ये सोच रहे थे कि अगर आप और लारेब भी साथ चलें तो बहुत ही अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच अंकल कि आपने हमें भी याद रखा, लेकिन आई डोंट थिंक सो मेरे और लारेब के लिए पॉसिबल होगा कि हम आपके साथ जाएं। अच्छा। लेकिन अंकल मैं, लारेब और मामा बहुत जल्द इंशाल्लाह उम्रे का प्लान बनाएंगे, लेकिन अगर उम्रे पे जाने से पहले आप हमारे साथ डिनर करें तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर बड़े पापा और तायमी भी आ जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, हम तो ये चाह रहे थे कि आप हमारी तरफ दावत पे आएँ, लेकिन चलिए अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो जैसे आपकी मर्ज़ी। चलें ग्रेट अंकल, फिर इंशाल्लाह आज आपसे डिनर पे मुलाकात होती है। चलो ठीक है बेटा, फिर रात को मुलाकात होती है। ठीक है, तो बहुत ख्याल रखना, जीते रहो। ऑल राइट, अल्लाह हाफिज़ अंकल, अल्लाह हाफिज़। वो अंकल आंटी उम्र पर जा रहे हैं, मैंने उन्हें बड़े पापा को ताई अम्मी को डिनर पर इन्वाइट किया। Smile, please. वो असल में वहाज, समरीन, लारेब, ये तीनों उम्रे पे इकट्ठा जाना चाह रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अच्छा, वो आज रात खाने पे जाना है उनकी तरफ, वो कह रहा था मैं खाना। अरे तुम तैयार नहीं हुई, वहाज और लारेब के खाने पर नहीं जाना? नहीं, मैं नहीं जा रही। देखिए साफ बात है, जो लोग मेरे बच्चों को अहमियत नहीं देंगे, उन्हें दावत पर नहीं बुलाएंगे, उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो मैं भी उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। ये क्या छोटी छोटी बातों को तुम इशू बना रही हो? आपके लिए होगी छोटी बात, मेरे लिए नहीं। और मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो रहा है किसको नजरों से गिराया जा रहा है और किसकी इज्जत हो रही है। देखो कि वहाज ने कोई बाकायदगी से डिनर नहीं किया है, ये तो उस्मान और साइमा के उम्रे पर जाने से पहले एक छोटा सा खाना है। तो ठीक है, अगर ये खाना इतना ही गैर अहम है तो आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? छोड़ो। तो फिर ठीक है, आपकी तरफ से हम कोई बहाना बना दें। कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं, मुझे वैसे भी शुमाइला को देखने जाना है। वैसे लारेब और उसके ससुराल वालों को, दोनों बेटों और उनकी बीवियों को भी बुलाना चाहिए था। अच्छा किया नहीं बुलाया, वरना खामखा बहाना करना पड़ता। लारेब की शक्ल से मुझे नफरत है, मासूमियत का ढोंग रचा के तमाशा करती है। सबर सबर करो बेटा, मैंने तुम्हें शादी से पहले क्या समझाया था कि मुनाफ़कत से काम लेना है। मुनाफ़कत से काम ले रही हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ? बिल्कीस आंटी भी यही चाहती हैं कि लारेब यहाँ ना आए, जिसने मिलना वहाँ जाकर मिले। लेकिन सास तो तुम्हारे साथ है ना, हैं? और तुम्हें क्या चाहिए? बस तुम अब किसी तरह भी अपनी जिठानी को अपनी मुट्ठी में कर लो। वैसे जब से लारेब गई है, हमारे घर में तो बस उदासी छा गई है। फारूक साहब, दो दो बहू हैं अब आपके घर में, उदासी कैसी? और वैसे भी जब छोटे घर के बड़े बन जाते तो ऐसा ही होता है। मैंने पूछा भी वहाद से कि फुरकान और इरफान और उनकी बीवियों को खाने पे क्यों नहीं बुलाया, पर इसने अब उन
दोनों कपल्स को तो मैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ज़बरदस्त से डिनर पे बुलाऊंगा। वैसे ये आंटी बुल्कीस क्यों नहीं आई? नहीं नहीं, वो आ रही थी, शमाइला के दादा जो हैं वो ऑपरेशन के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट थी तो वो वहाँ चल गई। जी बुल्कीस भाभी ने कहा था कि मेरी तरफ से आप लोगों को माजरत कर दें। माजरत कैसी, हम लोग कोई गैर थोड़ी हैं। अरे बेटा, थैंक यू। इस घर में चलने वाली सब कहानियों का सबका अहवाल जानती हूँ। आई मीन जॉइंट फैमिली में कज़न्स इकट्ठे रहते हैं तो नेचुरली किस्म की अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही जाती है। क्या मतलब? हर तरह के खेल खेलते हैं और खेल ही खेल में ना जाने क्या क्या हो जाता है। मगर हसन विलास का तो उल्टा हिसाब है। लारेब का रुझान इरफान की तरफ था और लारेब पर लट्टू थे तुम्हारे शोहर। शाफिया, पागल हो तुम? कुछ जानती हो क्या बोल रही हो तुम? अब सच जरा कड़वा तो है, मगर है तो सच। अच्छा आगे तो सुनो। फुरकान के इश्क का ये हाल था कि उसने लारेब को बेवा करने की कोशिश की। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो और हम दोनों मिलकर लारेब का इस घर से मुकम्मल आना जाना बंद कर दें। ए गाइस, अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर सोचना ज़रूर। ये हमारी वाइफ को क्या सोचने का कहा जा रहा था? सोचने और समझने का वक्त तो गुजर गया ना फरकान। क्या मतलब तुम्हारा? और ये तुम्हारे मूड को क्या हो गया एकदम से? कुछ नहीं। औरत की अच्छाई सीप में बंद मोती की तरह होती है और उसकी गलती जंगल की आग की तरह खूब भड़कती है। इसका मतलब तो ये हुआ बीबी जान के लारेब की नादानियों का सबको पता चल चुका हो। अरे लोग तुम्हारी तरह अंधे बहरे थोड़ी हैं, जो उन्हें नजर आएगा वो देखेंगे भी और जो सुनाई देगा वो सुनेंगे भी। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, वैसे सच कहूं तो अकल तो है ही नहीं तुम लोगों के पास, ऐसे लगता है लट लिए घूमते हो उसके पीछे। बीबी जान सच्ची बात तो ये है, आप आती है ना तो हमारे नसीब जाग जाते। वक्त का नसीब अकल से काबू में आती है, वो तो है नहीं तुम्हारे पास। आपकी कमी सच में बहुत ज्यादा महसूस हो रही। अरे भाई तभी तो खुदाई फौजदार की तरह आन पहुंची हूँ तुम्हारे पास। मैं तो जेठ को देखने जा रही थी, फिर सोचा कि तुम्हारी नैया भी पार लगा दूं। मेरी यहाँ आने की दो वजूहात हैं, एक तो तुम्हारी तबीयत का सुनकर मेरे दिल में हौल उठ रहे थे और दूसरा सोचा तुम्हारी नई नई बहू है, उसे कुछ समझाना बुझाना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। जी जी बीबी जान, आप बुजुर्ग हैं, आपका हक है। लेकिन सबरीन, हमारा बोलना हो सकता है तुम्हारी बहू को ना हक लगे। सलाम बीबी जान। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। जी रहो। मुझे देख के परेशान तो नहीं हो गई हो? नहीं नहीं बीबी जान, बल्कि मैं और वहाज तो फ्रांस से वापसी पे आपके पास ही आ रहे थे, लेकिन आंटी की तबीयत खराब हो गई तो फिर हमें वापस आना पड़ा। अच्छा हुआ तुम नहीं आई, अगर तुम वहाँ दुबई आ जाती तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर निकालती। भाई देखो, सारी जिंदगी पड़ी है घूमने फिरने की, मैंने तो यही कहा कि पहले अपनी सास को देखो जाकर फिर घूमना फिरना। लारे बीबी जान की बातों का बुरा नहीं मानना, इनकी हर कड़वी बात के पीछे जिंदगी में मिठास भर देने वाला असर होता है, इसे महसूस करो। समरीन बहुत बोल लिया ना मैंने, अब बस थक गई, किसी को कहो मुझे ले जाए बेडरूम में, सोना चाहती हूँ। लारे बेटा आप ऐसे करो कि सुरैया से कहो कि बीबी जान की व्हील चेयर लेकर आए। जी मम्मी कहते थे। सुरैया सुरैया। अरे तुम लोग कितनी जल्दी आ गए।
क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? मामा प्लीज शुमाइला को समझाइए, किसी ने इसे मिसगाइड कर दिया। एक्सक्यूज मी, अगर पास्ट की सारी हकीकतें आकर सामने खड़ी हो जाएंगी तो आप इसे मिसगाइड होना कहेंगे? ऐसा नहीं सोचते, शक खुशियों को दीमक की तरह चाट जाता है। शौहर को अपना बनाना सीखो, और जब वो तुम्हारा हो जाएगा तो यकीन मानो किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं। जिंदगी आगे देखने से आगे बढ़ती है, और पीछे देखने वाले तो हमेशा पीछे रह जाते हैं। माशाल्लाह, लड़का तो बहुत अच्छा। तुम अपनी घर की हो जाओ ना, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं होगी। जानती हूँ मैं, हर माँ का यही अरमान होता है कि उसकी बेटी जल्द से जल्द घर से निकल जाए। हर माँ की खुशी इसी बात में होती है कि उसकी बेटी अपने माँ बाप के घर से अपने घर तक का सफर जल्द से जल्द तय कर ले। इससे बढ़कर माँ के लिए कोई खुशी नहीं होती, बेटी की जुदाई में माँ की खुशी। और मेरी खुशी इसमें है कि इस घर में नन्हे नन्हे से फूल खिलें जल्दी। ये लें जी गर्मा गर्म चाय, सुरैया बाजी से कह के मैंने बनवाई है। और दिखाओ मुझे जरा दूल्हा भाई की तस्वीर, दिखाओ। तुम दोनों बातें करो, मैं जरा देख के आती हूँ बीबी जान ने नमाज पढ़ ली। वो नमाज पढ़ लें तो मुझे बता दीजिएगा। ये वाली देखो, दिखाओ। अरे वाह वाह। अच्छा ये बताओ मंगनी कब कर रही हो? इतने दिन हो गए कोई हल्ला गुला नहीं किया हमने। दो चार मिशन्स हैं वो पूरे हो जाए उसके बाद। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आंखों के नीचे हल्के भी लग रहे हैं, तुम ठीक हो? नहीं बस हल्का सा बुखार लग रहा है मुझे। दिखाओ, बुखार हो रहा है तुम्हें मेरी जान? नहीं ऐसे ही। अपने घर गई थी तुम? अब शायद वो मेरा घर नहीं रहा। कैसी बातें कर रही हो यार, लड़कियों को तो अपने मैके पे बड़ा नाज होता है। बस एक बात है, तुम्हारे घर में लड़की है ना राफिया, वो तुम्हारे खिलाफ साजिशों का जाल बिछा रही है। मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती, बच के रहना। शायद। अच्छा तुम मेडिसिन तो लो, बुखार तेज ना हो जाए। हाँ मैं ना वहाज को फोन करती हूँ। उसको तंग करने की क्या जरूरत है, मुझे बता दो, मैं ले आती हूँ, मंगवा लेती हूँ किसी से। लो इरफान का फोन आ गया। हाँ देखो इतने टाइम पे फोन आ गया, इससे कहो मेडिसिन ले आएगा। हेलो। अरे मेंटल पीस, तुम्हारा मैका तुम्हारे ससुराल के सामने है, फिर रास्ता क्यों भूल जाती हो तुम? हाँ अगर मैं नहीं आई तो तुम ही आ जाते। अच्छा ये बताओ बड़े पापा कैसे हैं? और वो शुमाइला, उससे तो सही तरह से बात ही नहीं हुई मेरी। मेडिसिंस का भी क्या? ठीक है तुम बताओ तुम कब आ रही हो यहाँ? जब तुम मुझे राफिया के साथ लेने आओगे। होगी ना बोलती बंद अब तुम्हारी। अच्छा सुनो मेरा काम कर दो। बोलो। मैं ना तुम्हें एक मेडिसिन का नाम सेंड कर रही हूँ मैसेज में, तो मुझे बुला दोगे? हाँ एक्चुअली मुझे अभी चेंज करके निकलना ही है किसी काम से, तो रास्ते में ड्रॉप। चलो ठीक है, थैंक यू। नहीं फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मेंटल पीस। चलो ठीक है ओके। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वालेकुम सलाम। बिश्मा आज तुम्हारे नाना की बरसी है, और तुम्हें पता है कि उनकी हर बरसी पे मैं उनके पसंदीदा खाने बकरे की कलेजी और पाए बनवाकर गरीबों को खिलवाती हूँ। इसका मतलब है कि आज डिनर में कलेजी और पाए मिलेंगे, लेकिन बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बहू रानी बनाएगी और कौन बनाएगा जी? अब मेरा मतलब है मुझे ये दोनों खाने नहीं बनाने आते। तो लड़की फिर तुम यही बता दो कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता। और सुनो माँ के पेट से कभी कोई सब कुछ सीख के नहीं आता,
दुनिया में आकर काम सीखे जाते हैं और फिर किए जाते हैं। बीबी जान छोड़े ना, अगर नहीं आता बनाना तो फोर्स क्यों कर रही हैं? हाँ लेकिन एक काम हो सकता है, तुम सुरैया की मदद से बना सकती हो। जान बीबी जान की बात कोई नहीं डालता इस घर में। तुम किचन में चलो, मैं आती हूँ, चेंज करके आती हूँ। ठीक है बीबी जान, मैं बना देती हूँ। चलो बनाओ। हाँ तुम क्यों उसकी इतनी हिमायत कर रही थी? बीबी जान अब अपने घर से कोई सीख के नहीं आया तो क्या किया जा सकता है, हमें सिखाना पड़ेगा ना। सोके कोई बात नहीं, मैं हेल्प करा दूंगी, सिखा देती हूँ, चेंज करके आती हूँ। केक खाएं, बड़े मजे का। वकार भाई, बिश्मा बात कर रही हैं, कैसे हैं आप? जी वो मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपकी, मेरी भाभी को कुछ मेडिसिन चाहिए, आप तनवीर के हाथ भिजवा देंगे? बड़ी मेहरबानी जी वो, लेकिन ज़रा जल्दी, मुझे कहीं जाना है। मैं आपको मेडिसिन का नाम मैसेज कर देती हूँ, और वो लड़के से कहिएगा कि घर की बेल ना बजाए, आने से पहले मुझे फ़ोन करते। जी जी वकार भी, मैं चक्कर लगाऊंगी, आऊंगी मैं। वकार भाई सबर, सबर का फल मीठा होता है, कहावत है, सुनी तो होगी। लारे मेरी जान, कब तक बचोगी मुझसे? मैं तो वो छुरी हूँ जो गला भी काटती तो पता ना चले। तुम्हारी लक कुछ ज़्यादा अच्छी है, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हारा जनाजा तैयार है। वो टमाटर प्याज तो सब मेरे सामने पड़े, बस मुझे ये बता दें कि लेजी और पाए कैसे बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये वकार भाई ने मेडिसिन भेजी। बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। थैंक यू। लो जी लारे बीबी, आ गया आपकी तलाक का सामान। सामने तुम्हें लारेब होगी? समीन आंटी के साथ बिजी है, कहें तो बुला दो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मेडिसिन्स हैं कुछ बुखार की, वो भी ग्रेट अगर आप उसको दे दें। अंदर नहीं आएंगे? नहीं मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है, आप ये प्लीज़ दवाइयाँ उसको दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.
हेलो लारेब कहाँ है? ये तो ना ही पूछो। वैसे सॉरी टू से तुम्हारी बीवी का घरदारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं फर्क तो पड़ता है भाई, हर सास का ख्वाब होता है कि उसकी बहू घर गृहस्थी संभाले। नहीं लगता है सास बहू वाले ड्रामे तुमने आजकल ज्यादा देखना शुरू कर दिया। नहीं वो ड्रामे हमारे घर में शुरू हो चुके हैं। क्या मतलब? बीबी जान ने लारेब को पाए और कलेजी बनाने में मसरूफ कर दिया है। व्हाट? पाए कलेजी और लारेब? हाँ हमारे नाना की बरसी है आज, तो उनकी बरसी की फातिहा लारेब के बने हुए खानों पर होगी, और तुम्हारे अरमानों की भी। That sounds great. मैं भी जाके देखता हूँ। नहीं नहीं किचन में मत जाना, वो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी, उसको नर्वस मत करना, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। और हाँ एक सेकेंड, हाँ ये मेडिसिन लारेब ने मंगवाई थी इरफान के हाथ, तो इसे कमरे में रख देना। और सुनो प्लीज किचन में मत जाना, वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा नहीं जाता। वहाज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? जल्दी आ गए? जी मामा बस काम खत्म हो गया। ये क्या है? ये लारेब की मेडिसिन है। क्यों लारेब को क्या हुआ? बताया क्यों नहीं कि उसकी तबीयत खराब है? मुझे तो पता ही नहीं था मामा। वहाज तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी औलाद हो? मामा मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं ख्वाब देख रही हूँ कि तुम्हारे इस घर में बच्चे होंगे, रौनक होगी, और तुम और लारेब मिलके। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? गॉड सेक मामा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो फिर ये क्या है? Why would you do this? आज तुम शादी के बाद अपनी माँ से झूठ बोलने लग जाओगे? मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। Swear to God मामा, मुझे कोई आइडिया नहीं। एक माँ बेटा, सफर कितना ही आरामदेह क्यों ना हो, पर हड्डियाँ तोड़ के रख देता है। अब देख ले पूरे जिस्म में, पूरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। अरे ऐसे लग रहा है जैसे मैं जहाज़ में बैठ के थोड़ी आई हूँ, बल्कि जहाज को घसीट के यहाँ लाई हूँ। बीबी जान अब आप कमरे में बैठ के आराम करती रहेंगी तो थकन का एहसास तो होगा ना? कमरे से बाहर निकलें, बहू से मिलें, दिल बहलेगा आपका। दिल बहलेगा नहीं, दिल हौलेगा। अरे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो वाह तोबा या अल्लाह, तोबा अल्लाह अल्लाह। चले छोड़ें बीबी जान इन बातों को, ये मसाइल तो है ना। चले मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ। हैं अम्मी आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, ये बहू है ना इनके पेट में भी कोई बात नहीं रहती, सब बता देती हैं आपको। वो क्या है आज वहाज के नाना, मेरे क्या लगे अम्मी, हाँ नाना ससुर उनकी बरसी है, तो बीबी जान ने सारे खाने की जिम्मेदारी मुझे दी है। जी जी अम्मी, समरीन आंटी और स्पेशली बिश्मा दोनों बहुत कोऑपरेटिव हैं। आप खुद ही तो कहती हैं कि लड़कियों को घरदारी आनी चाहिए, अब आप देखिएगा कैसे आपकी बेटी अच्छी बहू बनेगी। लगता है बहू रानी ने कोई नया गुल खिलाया। तुम मुझसे कोई बोल क्यों नहीं रहा? बताओ ना मुझे क्या हुआ है, बात क्या है? सबको सांप सूंघ गया। बीबी जान वो भी ये तो वही मेडिसिन है जो लारेब ने इरफान से मंगवाई थी। इरफान? लारेब का कजन इरफान ये दवाई लेकर आया था? जी खाला जानी वो आया था, मैं इत्तेफाक से दरवाजे के करीब ही थी, देखा तो लारेब से मिलने के लिए आया था, कुछ मशकूक सा बिहेव कर रहा था। अल्लाह अल्लाह रहम करना इस घर पे। और फिर जब मैंने उससे पूछा कि इस वक्त तुम, तो कहने लगा कि ये मेडिसिन लारेब को दे देना। समरीन तुम्हारी बहू नाक कान सब कटवा देगी। अरे शादी करने से पहले खानदान और लड़की को तो देखा होता, बीज अभी बोया नहीं और वो चली है दरख्त काटने के लिए। और फिर ऐसी मेडिसिन इरफान से मंगवाना, आप कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों का इतना क्लोज रिलेशनशिप,
अजीब सा लग रहा है। जो तू कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? खाला जानी, आपको क्या करना है, आप आराम से घर में रहिए, बीबी जान है ना कि संभाल लेंगे इस मामले को। बुलाओ बहू को। बड़ी भी तो चली है सारा खेल बिगाड़ने। अब बीजान, उस बेचारी से क्या बात करनी, उसके बड़ों से नहीं बात करनी चाहिए? मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। समझने समझाने का वक्त निकल चुका है, मैं अपनी भांजी की घर की खुशियों को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे अभी इसी वक्त उनके घर जाना है और दो टोक बात करनी है। तुम क्या ये भूत बन के बैठी हुई हो, उठो और चलो मेरे साथ। आप ठीक कह रहे हैं बीबी जान, अब उन लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। इज्जतदार खानदान समझ के मैंने अपने बेटे की वहाँ शादी की थी। वहाज तुम ही बताओ, इज्जतदार घरानों में इस तरह होता है? आप ठहरे, मैं लारेब से बात करता हूँ। बस करो मियाँ, ये मामला तुम्हारे हल करने का नहीं है। बुलाओ बहू को, जरा मैं उससे तो बात कर लूँ पहले। वहाज बीबी जान बिल्कुल ठीक कह रही है, अब जब मामला बड़ों तक पहुँच ही गया तो इन्हें संभाल लेते। ठीक कह रही है, लारेब में अगर इतनी अकल होती तो वो पहले इस किस्म की हरकत ना करती। मामा आप एक बार मुझे उससे बात तो कर लेने दें। बस वहाज, ख़त्म करो आप इस चिड़ा चिड़ी के खेल को। कुछ मामला ऐसे होते हैं जो बड़े हल करते हैं, और हमें हल करने दो। बस वहाज, अब तुम और मेरी मंजिल सिर्फ दो कदम ही दूर हो। रिश्ता है बरसों का, ये है जियो